देखेंगे अपने गाड़ी की तरफ, और पहले हम पैरों के काम समझा देते हैं। लेफ्ट पैर दबाएगा, क्लिच क्या दबाएगा और पूरा एंड कर दो। राइट पैर के दो काम है, एक्सीलेटर ब्रेक, उसको बोलते हैं ABC, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लिच। ब्रेक जब दबा देंगे तब हमने हैंडवे नीचे करना है, इसको दबा के नीचे कर दो, गुड। ठीक है, अब देखो पैरों के तो काम समझ में आ गए। एक बार हम गियर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड गियर पे लाओ, जैसे सीधा किया हमने, क्या किया, सीधा किया, न्यूट्रल पीछे न्यूट्रल, फर्स्ट गियर के लिए हाथ ऐसे रहेगा। अब देखो लेफ्ट में से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट में सेट करना है, यहाँ से आधी गाड़ी सड़क दिखना चाहिए। सेंटर में लेफ्ट हैंड से सेट करेंगे, AC वेंट लेफ्ट से देख लेंगे, ये वाइपर, यहाँ से AC वेंट लगे हुए हैं। राइट में सेट करेंगे, यहाँ से आपकी आधी सड़क दिखनी चाहिए और कार दिखनी चाहिए। स्टेयरिंग राइट हैंड से यूज़ करोगे, इंडिकेटर लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट के लिए राइट, जो आपकी स्कूटी में, और यहाँ से लाइट भी जलती है, एक दो एक दो, और ये डीपर जो लोग लाइट मार के जाते हैं। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड के काम। इतने काम हमने क्या करना है, यस बॉस, आपने बंद गाड़ी में करने, क्या करना है, बंद, और क्लिच दबा के आपने गाड़ी स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट गियर लगाओ, लेफ्ट करो और आगे ढकेल दो, ढकेलो, ये गया फर्स्ट, क्या गया, L बना के, क्या बना दिया, दोबारा देख लो, ये लेफ्ट किया हमने और आगे ढकेल दिया, फर्स्ट हो गया। अब काम देखो पैरों का, ब्रेक वाला पैर रेस पे ले लो, राइट वाला, हाँ हल्की रेस, हल्का क्लिच, नीचे मत देखो, आगे देखो, हल्की रेस लो, हल्का क्लिच करो, 10 कदम में धीरे धीरे चलाना है। चलो राइट में देखते हुए रेस कम करेंगे, राइट देखते हुए चलो, चलो क्लिच सेट करो, हल्का समय लगाओ, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोड़ दो धीरे धीरे सेट करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्या करना हमने, रेस और क्लिच को सेट करते हैं धीरे धीरे। लेफ्ट मिरर, सेंटर राइट मिरर देखते हो, अपने को एक्टिव रखो, एक सोल्जर की तरह एक्टिव रखोगे तो राशन कार्ड में, भामाशाह कार्ड में, पासपोर्ट में, वीजा में, CI में, सब में बने रहोगे। रेस बढ़ानी 20 की सेकंड के लिए, कितनी, बैलेंस सीधा बनाओ, जैसी रेस 20 की बनेगी, रेस को छोड़ो, क्लिच दबा दो और लेफ्ट झुका के दो और पीछे खींचो, हल्का हल्का रेस लो, क्लिच छोड़ दो, क्लिच छोड़ दो, एक गियर आ गया, सेकंड कौन सा आ गया। अब ध्यान क्या रखना है, जब आप सिंगल रोड पे, हाँ क्लिच पूरी छूट जाएगी, सिर्फ रेस मेंटेन करना 20 के टच में, बहुत बढ़िया रेस आ रही है, 20 और 25 पे आ रही है, इसी रेस को मेंटेन करते हो। सामने ब्रेकर अगर आ गया तो हल्का क्लिच ब्रेक करो, ब्रेक लो हल्का सा, तो ब्रेकर था, जैसे ब्रेकर निकल गया हल्का हल्का रेस वापस से, और क्लिच छोड़ते आएंगे, रेस मेंटेन करके रखेंगे अपना, जो तो मैटर है। यस बॉस, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, साथ ही साथ माइक्रो टीचिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं रोज़ की, पहले दिन आया था बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ से ड्राइविंग शुरू करी थी, गली मोहल्ले हाईवे हर जगह का एक्सपीरियंस कराते हैं, तो बंदा ये नहीं कहता कि मुझे सिखाए नहीं, मुझे आए नहीं। जितने आपके पापा के सवाल थे ना, सारे इस वीडियो के अंदर आ जाएंगे। इंडिकेटर पर दो, ब्रेक पर पैर, ब्रेक पर पैर, ब्रेक पर पैर, स्मूथ घुमाते हो, अब ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो, हल्का हल्का रेस लो, जब लेफ्ट जाएंगे तो पूरा छोटा मोड करेंगे जैसा अभी किया है। अब ये बाइक वाला हमारे सामने रॉन्ग निकला था, सामने वाला क्या कर रहा है उसे भूल जाएंगे, उसको देख कर हमने क्लिच ब्रेक को कंट्रोल कर लिया था। रेस मेंटेन रखेंगे, हाथ हल्का रखेंगे, सिया सिया चलते रहेंगे, काम समझ में आ रहा। रेस बना के रखो, जब फर्स्ट गियर है 0 से 20 का रेस, सेकेंड गियर 20 से 30 का रेस, अंकल रॉन्ग खड़े हैं छाँव में तम्बाकू बना रहे हैं, आप अपने काम बचा के उनको बचाते हो, राइट में देखो वहीं चलते रहेंगे सीधा सीधा, बहुत बढ़िया चलते रहेंगे सीधा सीधा, कोई दिक्कत काम समझने में तो। यस बॉस, लग रहा है मैं तुम्हें डाली सिखा दूंगा, पक्का, कॉन्फिडेंस से बोलो, बहुत डर लग रहा है, डर तो लगेगा पहला दिन ना भाई, पहले दिन में सब कुछ सीख जाओगे तो कैसे बनेगा, पर अपना काम है धीरे धीरे आपको डर निकालना, ठीक है, सारा डर निकाल दूंगा, टेंशन खत्म कर दो। जब पहले दिन आपको भीड़ में सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको खुले में सिखाता तो आपको डर लगता अचानक आने में भीड़ में, आप पहले से भीड़ में रहोगे और रोज आप भीड़ में काम करोगे तो डर निकलेगा ना, निकलेगा। ब्रेकर हल्की क्लिच ब्रेक, ब्रेक लो, क्लच दो और ब्रेक भी, हाँ रेसर को हल्का हल्का चलते रहेंगे, सुन के काम करना है, समय में नहीं लगाना है, लेफ्ट संभाल के चलते रहो और लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, सेंटर में राइट में देखते रहो क्योंकि लेफ्ट कवर कर रखा है, बना रखो रेस, सिया सिया चलते रहो, बहुत बढ़िया, और रोज को रोज वीडियो पापा को दिखाते रहना। एक काम और करना है आपने, मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें रोज एक वीडियो देखनी है, उसका फायदा क्या है, आपका माइंड रिवीजन करता रहेगा, क्या करेगा, ये 883 वाला मेरा ही बंदा स्टूडेंट है,
मजूरा जिम चलाता है, मरुधर जिम है ना रानी बाजार में, उसका ओनर है। चल तो रोचिए सीधा करेंगे, प्लस का निशान बनाएंगे। जो मैं डायरेक्ट लैंड कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन क्या है, अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पे खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, यह गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ। पर फर्स्ट लगाना हमने तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया, यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20 से 30 तक, कितना 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया थर्ड, सेकंड से कैसे गए, दोबारा देखो ये गया और ये और ये, थर्ड में चले गए, यहाँ रेस कितनी रहेगी 30 से 40, कितना 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ, यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से 50, कितना 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पांचवा, देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पांचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी 50 से 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी, अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड करते हैं, क्या करते हैं, छोटा मोड, क्रॉसिंग हो सकती है कोई नहीं भी हो सकती है, जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड करके इधर चले जाना है, क्या चलना है, मतलब राइट के लिए बड़ा मोड, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, ठीक है, इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। स्टैंड लगा दो, वहाँ से निकालो और उधर लगा दो, ये हो गया, ठीक है, बोनट खड़ा कर दो। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले चलते हैं हम राइट साइड से, यहाँ पे आपका कूलेंट पानी है, ये राइट एयर में जाता है, राइट एयर जब भी सर्विस कराओगे पूरा क्लीन करा के तब आपने कूलेंट प्लस डिजिटल वाटर भरवाना है। ठंडी गाड़ी में हम चेक कर सकते हैं पर गर्म होगा तो नहीं चेक करेंगे, पानी फुल है, बंद कर देते हैं। इसका एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भरना है फिर इसमें नहीं भरना, ठीक है, ये ठंडी गाड़ी में चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी, बैटरी के तार देख लो, अगर लूज हैं तो ग्रीस लगा उसे टाइट कर लो, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। अगर आप कहीं जा रहे हो 2-3 महीने के लिए तो बैटरी के टर्मिनल खोल के रख दो तो यहाँ बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। फिर उसमें कुछ फिल्टर होते हैं और कुछ इसमें ऑयल डलते हैं, एक फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ है, एक फिल्टर इंजन ऑयल के साथ चेंज होता है, जब ऑयल जितने बार चेंज होता है उतने बार उसका फिल्टर चेंज होता है। ऑयल चेक करने का तरीके, इसको बाहर निकालो, जैसे कल बताया था उसको बाहर खींच लो, वो ऑयल 2 पॉइंट तक होना चाहिए और चिकनाइट भी चेक करना है, ये 2 पॉइंट आ गए, यहाँ तक ऑयल है और ऑयल इसमें फुल है, ठीक है, मात्रा भी ठीक है, बंद कर दो, उस जैसे निकाला था वैसे लगा दो। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑयल दिया है जिसके द्वारा ब्रेक लगती है, एक यहाँ पे होता है गियर ऑयल, वो मिस्त्री से चेक करा लेना उसका कि मात्रा कैसी है, ठीक है, ये तो हो गया ऑयल, कुछ दिया फिल्टर, एक दिया हुआ यहाँ पे एयर फिल्टर, एक वहाँ फिल्टर हो गया, एक एसी फिल्टर अंदर होता है, वो मिस्त्री साथ करा लेना, खुद सीख जाना, ठीक है। यहाँ पे होता है वाइपर पानी, ठीक है, जो आपके सीधे साफ करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे दिया एक फैन बेल्ट, उसकी भी क्वालिटी मिस्त्री से चेक करा लेना, हमें समझ में नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखो। नई गाड़ी होती है तो 3 सर्विस कंपनी देती है, उसके बाद हर 10 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस कराओ, वो मिस्त्री के टच में रहो, कोई अच्छा मिस्त्री सेलेक्ट करो। कंपनी से कराना है तो सारे बिल आपने क्या करना है, कंप्यूटर सर्विस पे चढ़ा दो। इसके फायदे क्या हैं कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम सर्विस कराने जाओगे पिछले बिल में देख सकते हो हमने सर्विस में क्या क्या करवाया था, क्या हमें नया डलवाना है, क्या हमने पुराना। यहाँ होते हैं स्पार्क, ठीक है, 1, 2, 3, ये 40,000 किलोमीटर पर हमने चेंज कराने होते हैं, उससे पहले चेंज नहीं होते, बीच में फिर भी ज़रूरत पड़ रही है करा सकते हैं। और यहाँ इंजन ऑयल जब 20,000 किलोमीटर चल जाए गाड़ी, इसको पूरा फ्लैश कराओ और दोबारा से नया ऑयल डलवाओ, इतना ध्यान रखो। और सर्विस के दौरान खुद मिस्त्री के पास रहो, वहाँ देखने से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ, ठीक है। बंद कर दो, जैसे हमने खोला था वैसे हम बंद कर देंगे। ट्रिपाटर का पकड़ लिया, ट्रिपाटर का फायदा क्या उठाएंगे, राइट साइड हमारी लॉक हो गई, आपने सेंटर में लेफ्ट में देखना है कि जो भी आपको पीछे ओवरटेक करेगा लेफ्ट से करेगा। हाथ हल्का रखना है, रेस बनाए रखेंगे, ब्रेकर आ गया सामने, हल्की क्लिच ब्रेक करो, ब्रेक लो, जैसे ही ब्रेकर के पास पहुंचने वाले हैं देखो ब्रेक छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, छोड़ दो ब्रेक, हल्का हल्का रेस लेंगे, और जैसे ही रेस लेंगे लिमिट की लेंगे, चलो गियर कौन सा हमारा सेकंड, रेस होने चाहिए 20 के आसपास, रेस मेंटेन करिए, चलो हाथ हल्का रखो, सरोजवती रोड पर चल रहे हो, पूरा रामपुरा घूमते हुए रेलवे हॉस्पिटल घूमते या चले आ रहे हैं, फिर एक ब्रेकर हल्की क्लिच ब्रेक करो, फिर ब्रेक छोड़ देंगे। तो डिवाइडर के साथ चलने का फायदा ये है कि राइट साइड आपने लॉक की है, लेफ्ट इसलिए आपका सेफ है कि जो भी आपको ओवरटेक कर रहा है 2 फुट दूर होकर चल रहा है, आपने सिर्फ आगे वाली चिंता करनी है, पीछे वाला देखते रहो, जो पीछे लेफ्ट से ओवरटेक करता रहेगा वो तो जा रहा है, जाने देंगे, क्लियर, चलते रहेंगे, डिवाइडर छोड़ना नहीं हमने, किसी रेस को जाना तो उसका वेट करेंगे, वो अपने आप निकल जाए, उसको जल्दी होगी। हाँ तो बस अपनी साइड कवर करके चलते रहो, अपने पास लॉजिक समझना है, लॉजिक पकड़ में आया तो मैजिक हो जाएगा, और लॉजिक पकड़ में नहीं आया तो मैजिक नहीं होगा, और लोग तालियां नहीं बजाएंगे, सिर्फ गालियां देंगे, बोले कैसे ड्राइविंग कर रही है, इस गाड़ी के पीछे गाय खड़ी है उधर लेफ्ट में, देखो देखेंगे, फिर पीछे देखो राइट में, फिर देखेंगे, और कैसे चलते रहेंगे, बना रखो रेस, अब लेफ्ट चलेंगे तो आगे अपना ऑफिस आ गया, लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत काम समझने में आ रहा है, रेस मेंटेन करके चलते रहो, लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो, बहुत बढ़िया। आज चल रहे हैं हम रामपुरा लालगढ़ की तरफ, रेस मेंटेन करते हुए लेफ्ट लेफ्ट चलते रहेंगे, ठीक है, हाथ हल्का रखेंगे, जितना आपका हाथ हल्का रहेगा, एक बार हाथ छोड़ दो, देखो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी चलती है, और जैसे आप पावर दोगे तब आपसे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगी, सीधे चलते रहो, मास्क नीचे करो, चला कौन रहा है पता चलना चाहिए, क्या चला रहे, यस बॉस, इनका नाम भी यस है, चलते रहिए, रेस मेंटेन करते हो, गाय को बचाएंगे, बहुत बढ़िया। सामने ब्रेकर दिख गया, क्या करते हैं ब्रेकर पे, हल्का सा क्लच, हल्का ब्रेक लो, और जब जैसे ही ब्रेकर दिखने पर बंद हो जाए तब हम धीरे से ब्रेक छोड़ेंगे, छोड़ो ब्रेक, और पहले रेस लेंगे, क्या लेंगे, राइट पैर से रेस लेंगे और क्लच को छोड़ते आएंगे, रेस मेंटेन करते हुए लेफ्ट लेफ्ट सीधा सीधा चलते रहेंगे, ठीक है, कौन समझ में आ रहा है, कल से आज कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस है, गुड, चलते रहो रेस मेंटेन करते हुए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मो तो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चलते रहो सीधा सीधा। तो वही बच्चा आगे बढ़ता है जो घर जाके होमवर्क करता है, 5-6 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देना, ठीक है, यही फर्स्ट सेकेंड में काम अपना स्टार्ट कर देंगे, गुड, चलते रहो। लेफ्ट जाना, लेफ्ट पर ध्यान क्या रखना है, इंडिकेटर नंबर है तो इंडिकेटर, क्लच ब्रेक पर पैर अपने कंट्रोल के लिए, और हॉर्न आगे के लिए, नो पकड़ते हुए लेफ्ट वाला पॉइंट देखते हुए, अपने वीडियो देख लेना, लेफ्ट वाला पॉइंट देखते हुए जब लगे आपको ये लेफ्ट पूरा नीचे उतरने वाला है तब आपने सीधा कर लेना है। अब आगे से राइट जाना, अगेन राइट नीचे दो, इंडिकेटर नीचे मार दो, राइट का आ गया, नो पकड़ लिया, क्लच ब्रेक पर पैर ले लिया, बहुत अच्छे, और राइट कॉर्नर का वेट करेंगे, राइट वाले पॉइंट देखते हुए पूरा घुमाते आएंगे, और तब तक घुमाएंगे जब लगे बीच वाला हिस्सा बीच सड़क पहुंच गए तब आप उसको सीधा कर लेंगे, और रेस मेंटेन करके धीरे चलते रहेंगे। ये हो गया लेफ्ट राइट दोनों करने का तरीका, ठीक है। सामने ब्रेकर आ गए तो क्या करेंगे ब्रेकर पे, आप हल्का सा क्लच ब्रेक, जरूरत के हिसाब से कि आपका कितना ऊंचा ब्रेक है, नॉर्मल है तो हल्का क्लच ब्रेक चल जाएगा, अगर ब्रेकर ऊंचा है तो आपको फर्स्ट गियर लगा लेना है, ठीक है। रेस मेंटेन करते हो, हाथ हल्का रखते हो, चलते रहेंगे, चलते चलते अगर गाड़ी रोकना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, पूरा क्लच ब्रेक, क्या करेंगे, पूरा लगा दो क्लच ब्रेक पूरा। पहले हम क्या करेंगे, किसी को बचाएंगे, उसके बाद हमने गियर चेंज करना है, सेकंड में थे पहले न्यूट्रल किया, उसके बाद फिर लेफ्ट करके फर्स्ट गियर, और ब्रेक छोड़ दो, बिना रेस के भी उठा सकते हैं या रेस के साथ भी, हल्की रेस हल्का क्लच सेट करो, करो सेट, हल्का हल्का रेस लो, दोनों को सेट करो इक्वल मात्रा में, पहले 10 की रेस में गाड़ी को उठाते जाना है, क्लियर समझ में आ रहा है, इंडिकेटर ऊपर दे दो लेफ्ट का, वापस से लेफ्ट जा रहे हैं, घुमाते हो कंटिन्यू, और इस पॉइंट को तब तक देखो जब ये लगे पूरा लेफ्ट नीचे उतरने वाला है, जितना आपने स्टेयरिंग घुमाई थी उतना उसको सीधा करते आएंगे सड़क के हिसाब से, गुड। तो इतना आपने घुमाया उतना ही वहाँ पे आपका पहुँच गया, तो इससे नोब हम बहुत बढ़िया सीखते हैं, रेस बढ़ाओ सेकंड लगा रहे, बनाओ रेस, रेस छोड़ के क्लिच पूरा नीचे,
और गियर झुका के दो बार पीछे खींचो, एक और दो, एक बार और झुका के, ये हो गया रेस। सेकंड गियर हो गया, रेस मेंटेन कर दिया, क्लिच चलते आएंगे, चलते रहो, बहुत बढ़िया, चलते रहो। तो जैसा माहौल रहेगा वैसे हमने गियर यूज़ करना है। जब हमारा फर्स्ट गियर का माहौल है तो हम 0 से 20 की रेस रखते हैं, सेकंड गियर का माहौल है तो हम रखते हैं 20 से 30 की माहौल। बना के रखो रेस और सी से चलते रहो, बहुत बढ़िया। चलो हाथ हल्का रखो, सेकंड में हम चले रहे थे, आज जा रहे हैं थर्ड में, राइट मिनट देखो, वापस से डिवाइड कवर करेंगे, ठीक है। बना रखो रेस, 30 की रेस चाहिए मीटर पर, अभी नहीं आई है, और बनाओ, बना के रखो रेस, चाचा निकल जाएगा, बनाओ रेस, गाय का पैर बचाते हुए अपनी साइड चलते रहना, लोग लेफ्ट से अपने आप निकलते रहेंगे। रेस छोड़ के क्लिच दबाओ नीचे और दो बार सीधा सीधा कर दो आगे, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, बहुत बढ़िया, बना कर रखो रेस। ये आगे किसमें, थर्ड में। अब हमें जैसे ही मौका मिलेगा चौथे गियर के 40 की रेस, तो उसके लिए हमने दो बार पीछे करना है, तो 40 की रेस बनाओ मीटर पर, हाथ हल्का रखो, डिवाइडर मत छोड़ो, बना कर रखो रेस, रेस बनाओ, रेस बनाओ, रेस बनाओ, आप चल करो रेस बनाओ, रेस 40 की बनाओ, चलते रहो, चौथे गियर में जाने वाले हैं। तो जब तक चौथे गियर की 40 की रेस नहीं आएगी, आप साइड में छोड़ो, जिस साइड में होगा कवर के रख कर रखो, जिसको जाना होगा अपने आप लेफ्ट से निकल जाएगा। 40 की रेस होगी, क्लिच नीचे दो बार पीछे, एक गियर हो गया चौथे, दो बार पीछे करो, रेस बनाओ, क्लिच छोड़ते हो, चलते रहो दूरी मेंटेन करके, हॉर्न ज़्यादा यूज करेंगे, आप रेस ले लो और क्लिच छोड़ते हुए हाथ हल्का रखते हुए ध्यान का रखना। राइट साइड कवर किए तो मैं दोनों साइड कवर है, राइट हमने कवर किया है, लेफ्ट इसलिए कवर है, जो भी हमें ओवरटेक करेगा 2 फुट दूर होके करेगा। रेस मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते हुए कोई एक साइड कवर कर रखो, सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन रखो, अपने आप को अलर्ट रखो। इस गाड़ी का टॉप गियर है, बना रखो रेस, ऐसे चलते रहो हाथ हल्का रखते हुए। तो हम पहुँच गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अभी तो हम गली मोहल्ले में चल रहे थे और फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा सीख रहे थे, रिवर्स सीख रहे थे, तो आज थोड़ा बहुत समझ में आया। अब इस काम को हम रोज़ करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों गियर रोज यूज़ किया करेंगे, ठीक है। चलते रहो, चलते रहो, सामने वाले की दूरी मेंटेन कर रखी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, बस इसी चीज़ को और हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है। कैसा लग रहा है आज, डर लग रहा है ना, डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू पिया करो, चलते रहो। ऑटोमेटिक कार, सबसे पहले गियर देख के पता चल जाएगा, अगर नंबरिंग होती है वो होती है गियर वाली कार, ये प्लेन है, ऑटोमेटिक कार, साइड में लिखा रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड, ठीक है, मैनुअल भी चला सकते हैं, ये ड्राइविंग मोड, ड्राइविंग मोड, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है, काम वही है, मिरर सेट कर लो, राइट वाला, सेंटर वाला, लेफ्ट वाला, उसके बाद हैंड ब्रेक ऊपर ऐसे नीचे कर देंगे। अब इसमें क्या है, पैर पीछे करो, क्लच नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेक और रेस है, तो आपका एक ही पैर यूज होगा गियर वाली कार की तरह। तो हैंड ब्रेक नीचे करो, ब्रेक दबा के हो गया नीचे, उसके बाद चाबी ऑन करो, देखो यहाँ पे एन लिख के आना चाहिए, न्यूट्रल आ रहा है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करो, सिर्फ बिना ब्रेक दबाए, बिना ब्रेक दबाओ, स्टार्ट करके देखो, नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ एक आईकॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, साइड में एक इस साइड में आईकॉन आ रहा है, दबाओ दबाओ फिर से, और जैसे ब्रेक दबाओगे स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करो, ब्रेक दबाओ, पहले ब्रेक दबा के स्टार्ट करना, न्यूट्रल तो है वहाँ पे, ब्रेक दबाओ, चाबी आगे घुमाओ, होगी स्टार्ट। तो जब ब्रेक दबाएंगे न्यूट्रल पे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम काम कर रहे हैं आगे, डी मोड करेंगे, डी मोड कर दो नीचे, यहाँ आ गया 1D, क्या आ गया 1D, जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे, झटके से छोड़ना ब्रेक, छोड़ो अपने आप गाड़ी चलती है, इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रख के लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, जो आपने मिरर सेट किए हुए हैं। 20 की रेस बनानी है, क्या करना है, जैसे 20 की रेस बनेगी गियर अपने आप सेकंड गियर ले लेगी, ये बनाओ 20 की रेस, बनाओ सेकंड आ गया मीटर पे देखो आ गया, और जैसे 30 की रेस बनेगी थर्ड आ जाएगा, थर्ड भी आ गया, क्या आ गया, टोटल 1.5 मिनट में आपका थर्ड गियर आ गया। रेस मेंटेन हाथ हल्का कर राइट देखो, कौन है पीछे उधर, बना रखो रेस, चलते रहो रेस लेके। अब जैसे 40 की रेस बनेगी चौथा भी आ गया रेस बनाओ 50 की, ट्रक उधर चला जाएगा, क्रॉसिंग बनी हुई वहाँ पे चला जाएगा वो, चलते रहो आप, चलते रहो, वो चला गया ट्रैक्टर उधर, चलते रहो आप, चलते रहो, हॉर्न दो ट्रक बस वालों की तरह, उठाओ रेस, जिस तरह से ट्रक और बस वाले हॉर्न देते हैं उस तरह से हॉर्न देना है, लोग आपको साइड देते रहेंगे,
नहीं दें तो आपने स्लो करके रुक जाना, ऐसा नहीं बोलना है। सर आपने मुझे सिखाया था उस दिन हॉर्न मारने साइड देते हैं, मैंने रेस तेज थी, हॉर्न दी, गाड़ी ठुक दी, वो काम नहीं करना है। कॉमन सेंस उधर यूज करना है, साइड देगा तो आप निकल जाना, साइड नहीं देगा तो रुक जाना है। क्लियर? लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट आपने कवर कर रखा है, राइट को आपको पता है राइट कवर करने से दोनों साइड सेफ है। जैसे बाइक गई हमसे दो फुट दूर होके गई है, राइट हमने कवर कर रखा है। रेस बनाओ, चलते रहो, रटाओ। ये पांचवा गियर आ चुका है, कौन सा आ गया है? पांचवा। कितनी देर में आ गया? एक मिनट, मतलब तीन मिनट में आ गया है। बना रखो रेस, मतलब तीन मिनट में आप पांचवें गियर तक पहुंच गए और स्पीड आ रही है 50-60 की। तो इसको चलाया डाला, लाइफ जंगा लाला, इतनी आसान रेस ये गाड़ी है। इससे आप जयपुर भी घूम के आ सकते हो, आ सकते हो ना, और गियर वारी पर नहीं जा सकते हो, एक महीना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बना रखो रेस सीधा और चलते रहो। रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ते हैं, रेस कम होगी तो गियर कम हो जाएंगे। हाईवे पे आप ओवरटेक करोगे तो गाड़ी तेज करना, कोई आपकी गाड़ी को ओवरटेक करेगा तो स्लो करना है। चलते रहो, रोड खाली पड़ा, बनाओ रेस। अभी तक हम फर्स्ट सेकंड चल रहे थे, आज हम थर्ड और फोर्थ स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने तीसरी रेस बनानी है, जैसे आपकी बन चुकी है। रेस को छोड़ के क्लिच दबा के सीधा सीधा पहले न्यूट्रल करो, आगे करो, एक बार और करो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। ये आगे गियर थर्ड, कौन सा आ गया? लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, डिवाइडर हमने कवर कर रखा है तो राइट में नहीं देखेंगे, जो पीछे चल रहा है वो सेंटर से पता चलेगा, सेंटर वाले मिरर से, और आपको लेफ्ट से ओवरटेक करेगा। समय का वेट करेंगे, रेस बढ़ाएंगे कितने का? 40 का। कितना? आगे से एक ट्रक बढ़ता आ रहा है, ट्रकों के पीछे से, वो नहीं रुकेगा। स्लो करो, पूरा क्लच दबाओ, न्यूट्रल करो और लेफ्ट झुकाओ गियर सेकंड, जल्दी, बहुत बढ़िया, रेस बढ़ाओ, चलते रहो सेकंड में थोड़ा थोड़ा। आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करते हुए हाथ हल्का रखते हुए ज़्यादा पास मत जाओ, दूरी मेंटेन करना चाहिए। अगर दूर रखो गाड़ी से कभी नहीं ठुकोगे। वापस रेस उठाओ थर्ड पर, उठाओ रेस। जैसी रेस 30 की बनेगी वापस से थर्ड का लगाएंगे। रेस छोड़ के क्लिच दबाओ पूरा, आगे न्यूट्रल करो जल्दी से, और एक बार और रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, हाथ हल्का रखो। अब गाड़ी हमें लेफ्ट से ओवरटेक कर रही है, जैसे ही सामने गाड़ी आ जाती तब हमें चिंता करनी है। जब तक वो साइड में थी या पीछे थी कुछ मत करो, सिर्फ बैलेंस बना के चलते रहो। समय का वेट करेंगे चौथा गियर लगाने का, समय मिल गया अभी हमें, चौथा की तैयारी करेंगे। 40 की रेस और चाहिए, अभी नहीं आई है। जब 40 की रेस आ जाएगी, जैसे गोली में टिकट दबाते इस तरह से, ऐसे हमने कहा है दो और पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। यही आपके सामने पाँचवें गियर वाली कार होती, न्यूट्रल करके राइट करके 50 की रेस बना के पाँचवें गियर, छठवें गियर की गाड़ी है, 60 से ऊपर लेके राइट करके पाँचवें पीछे आ जाता छठवा गियर। तो कोई आपको फॉर्चुनर एंडीवर लेके नहीं सिखाएगा, लॉजिक सिखाएगा बस। लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, हाथ हल्का रखो, अपने आप को अलर्ट रखो और पहले दिन का याद करो। पहला दिन याद है? नहीं याद हो तो वीडियो पढ़िए मेरे पास, वेंटिलेट नहीं करता हूँ। जैसे घर वाले ये ना बोले कि हमारे बच्चे को सिखाओ कोई है भाई, यहाँ सारे बोलने वाले बहुत हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, जो बीएड वालों के साथ कराते हैं कि टीचर ने पढ़ाया कैसे। लेफ्ट में देखो, बाबी रेस उठा लो, वो चला गया तो राइट में। टीचर ने पढ़ाया क्या, स्टूडेंट समझा क्या, पहले दिन से और आखिरी दिन तक का कंपेयर करो। घर वाले क्या बोल रहे हैं मैं वो नहीं सुनता हूँ, स्टूडेंट क्या बोल रहा है मैं उसको सुनता हूँ। उसने कैसा सीखा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा बना है, उसका डर कैसा निकला है। रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, दोनों वाइट पट्टी, राइट वाली और सेंट वाली वाइट पट्टी के दोनों के बीच में रेस मेंटेन करते हो। जैसा आपका कंट्रोल आ रहा है वैसे चलाना है, कोई डंडा लेके नहीं पड़ा। यस यस, भाग भाग, अपने कंट्रोल से गाड़ी चलानी है, ठीक है। बना रखो रेस, सामने ट्रक चल रहा है, मौका मिला तो लेफ्ट से ओवरटेक करना, मौका नहीं मिला उसके पीछे चलते रहना। क्लियर? किसी गाड़ी को सेफ करके कवर करके चलोगे तो वो भी एक सेफ ड्राइविंग होती है। आगे वाली गाड़ी हमारी रास्ता खाली कर रही है, ये जाते ले दो इन गाड़ियों को, बहुत बढ़िया, चलते रहो। फर्स्ट सेकेंड रिवर्स, गली मोहल्ले हाईवे मार्केट में कहीं कोई दिक्कत, ऑटोमेटिक कार से आए थे हाईवे पे आपके साथ, तब आप अस्सी नब्बे चला रहे थे, कितना वो ऑटोमेटिक, उसमें कुछ करना नहीं, जरूरत पड़ती है करना पड़ेगा। घुमा हुआ हल्का से घूमेगी गाड़ी, ज़्यादा मत घुमाना। तो राइट हैंड मैन सेट करवाया आपका गियर पे, लेफ्ट हैंड आपका गियर पे, राइट हैंड वाला स्टेयरिंग पे, स्मूथ घुमाया, चींटी के बराबर इतना घुमा है उतना सीधा कर लो। रेस बढ़ाओ,
और चलते रहो अपने कंट्रोल में, जैसे आपका कंट्रोल आया वैसे आपने गाड़ी चलानी है। बहुत बढ़िया, थोड़े कूल रहते हो, मुस्कुराते हुए चलना है, बहुत अच्छे। अब रह गया आपका अभ्यास, क्या रह गया? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जन्मो तो सुजान। घर पे गाड़ी है, पापा का समय लेके अभ्यास करते रहना, ठीक है। सिंगल रोड पे सुबह से रोड पे चल रहे हैं, ये आपको बजरंग दौरा निकल गया, बीकानेर का फेमस मंदिर बजरंग दौरा जी। रेस उठाएंगे 30 का, कितने हो? 30 की। जैसे 30 की रेस बनने वाली है, रेस छोड़ के यस, क्लिच नीचे, आगे न्यूट्रल करो, सीधा सीधा एक बार और करो, थर्ड रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते आओ। तो अब आपके उंगली के सहारे से गियर लग रहा है, रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो, समय का वेट करो, चौथा गियर लगाएंगे। कल क्या था, नाल वाला रोड जिसमें आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग था, रेस बना के रखो, लेफ्ट साइड चलते रहेंगे। जैसी आपकी 40 की रेस बनेगी मीटर पे, आगे से बस भी आ रही है, गाय भी हैं, एक बार स्लो को रहेंगे लेफ्ट में थर्ड गियर में, गाय बस का और कार का निकलने का वेट करेंगे। ब्रेक का पैर लो, हल्का स्लो किया आपने, जैसी कार निकल जाएगी राइट में देखो, रेस उठाओ, अब 40 की रेस बनाएंगे। गियर की पोजीशन तैयार कर लो, तो पोजीशन हमारी ये तैयार है, रेस बढ़ाना बस मीटर पे। अभी 40 नहीं आई, क्रॉस करो, 40 से करो क्रॉस, आ जाए तो मुझे बताना है। रेस छोड़ दो, क्लिच नीचे, दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, जिस तरह से टिकट दबाते हैं ना उंगली से, वैसे आप गियर यूज कर रहे हो। अभी रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, अब सिंगल रोड पे कहाँ भैया, तो एक तो लेफ्ट राइट चल रहा है, नंबर एक सेंटर में और राइट में, ये आपने देखता रहना है, जैसा आपका कंट्रोल आए वैसे आपने रेस बनाना है। आज मेरे साथ बैठ कर देख सकते हो कैसा आपका अनुभव आ रहा है चलाने में, चलते रहो, क्योंकि मेरे साथ चलाओगे डबल कंट्रोल अपने पास, ठीक है। अभी तो हमने दूरी कर रखी है, आप ही कंट्रोल कर रहे हो, पर पापा के साथ जब अभ्यास करते हो आप, उस टाइम डर रहता है कि पापा कैसे रोकेंगे, तो उतना रेस लेना जितना आप अभ्यास करना स्टार्ट किया है, वो रुकना नहीं चाहिए आपका अभ्यास। लेफ्ट रखो, आगे से गाड़ी आ रही है, चढ़ाई पे कभी ओवरटेक नहीं करते, ये तो एक ही गाड़ी है, कई बार दो दो गाड़ियाँ आ जाती हैं। बना रखो रेस, हाथ हल्का रखो, सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन रखना है, रेस कंट्रोल वाली रखना है, अपने आप को अलर्ट रखना है, कोई ये साइड पकड़ के चलना है, और तीन नंबर यूज करना है, जितना अच्छा आगे देखते होते जब आपने पीछे देखना आना चाहिए। ये चीज़ को फॉलो करो, कभी आपकी गाड़ी नहीं टूटेगी, ठीक है। रेस बना के रखो, हाथ हल्का रखो, ये सब करने के बाद भी गाड़ी टूट जाए तो मुझसे नई कार लेके चला जाना, मजाक था। रेस बढ़ाओ, पीछे वाला ठोक देगा उसकी जगह थोड़ी है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आगे वाली गाड़ी को कवर करते हो जैसे मैंने अभी बताया है, बहुत बढ़िया। तो कल था डबल रोड, आज है सिंगल रोड, पर हम उसमें भी काम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बनाए रखो, पहला दिन याद है आपको, लग रही थी उम्मीद कि मैं इतना बढ़िया सिखा पाऊंगा, पर आज है, अब तो अपनी गाड़ी भी चलाना स्टार्ट कर दिया है ना, बनाए रखो। पापा भी कल खुश हो रहे थे आपके, चलते रहो, बहुत बढ़िया। कल उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे उन्होंने अपने लिए किए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी उसी में बंद होती है, पापा ने सीखी नहीं किसी से, वो खुद से ट्राई करते करते वहाँ पहुँच गए, आजकल खुद गाड़ी चला रहे हैं, तो उसने उनको जो शिकायत थी उस गाड़ी चलाने में, वो उन्होंने क्वेश्चन अपने क्लियर कर दिए थे। रेस बढ़ाओ और चलते रहो,